जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। सरकार हमको कह रही है फिर से हम सेटल पहली बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाते हैं क्या, सारी मम्मियां जला के मार दी जाती। नंबर फर्स्ट बेटा देखिएगा, ये है जावेद अहमद हजम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जजमेंट आपको पढ़ना है, क्रिमिनल लॉ पे है। और इसमें ये था कि अगर कोई पर्सन अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, ठीक है, और व्हाट्सएप स्टेटस में वो सेक्शन आर्टिकल 370 को जो जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया गया उस पर अगर वो बोलता है कि ये जो डे था ना जिस दिन हमने 370 आर्टिकल को हटाया वो ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री, तो क्या वो यहाँ पर ऑफेंस में आएगा एज पर सेक्शन 153A और नॉट, ठीक है, 153A ऑफ IPC। इसको भी हम पढ़ेंगे। ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्सन सिंपली व्हाट्सएप पे सपोज करो हम क्रिकेट देख रहे हैं और क्रिकेट देखने में कोई पाकिस्तान जीत जाए और उस पर कोई पर्सन व्हाट्सएप लगा ले कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड पाकिस्तान हैज वन दिस, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैव परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंग, राइट, या फिर जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में चला कि ये बहुत गलत डिसीजन है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्लैक चैप्टर है, इस तरीके के क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिंपली कोई गवर्नमेंट से डिसेंट करता है और कहता है कि जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया वो क्रिटिसिज्म का के लिए लायबल है तो वो 153A ऑफ IPC में कवर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) गिव्स अस फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जब तक कोई आपका एक्सप्रेशन इतना ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आप गवर्नमेंट के बारे में अगर आप स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करेंगे, गवर्नमेंट के बारे में स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करना 153A में कवर नहीं होता, सिंपली उसको आप लायबल नहीं कर सकते, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।